गहने के बदले मुझे पैसे दीजिए और एक महीने बाद मैं आपके पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, मैं पैसे किसी और से ले लूंगी। वैसे जेठा जी बेटा, कितना लाख चाहिए तुमको? 1, 2, 3, 4, 5 बोलो। बस तो आप भी 1 लाख रुपए लगाकर एक हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख कीजिए, ठीक है? ठीक है। अगर आप कहती हो तो फिर ठीक है भाभी। मेरे भाई ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे पैसे दिए हैं और मैंने दया भाभी पे भरोसा रख के आपको पैसे दिए हैं। अरे भीड़े बहन, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, ये दया की जुबान है। मुझे मालूम था उसका अभी कोई फोन नहीं आएगा। दया वो गया सोसाइटी वालों के पैसे लेके 1, 2 का 4 हो गया। अरे नहीं रे नहीं, हमारे पैसे हमको जरूर मिलेंगे, हमको तो दया भाभी ने गारंटी दी है ना। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? अरे क्या बताऊँ अंकल, मंदी, ये मंदी की वजह से इस बार दिवाली इतनी ठंडी गई कि बात मत पूछो। अरे पटाखे की दुकान भी कम थी इस बार। जेठा जी, पपीता जी। अंकल आप निकलो, मंदी ऐसी रहेगी, हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। चलो। और बताइए पपीता जी, मेरे लायक कुछ काम काज? वो सुंदर को गए हुए 3 दिन हो गए ना। कौन सुंदर? आपका साला। हाँ वो साले को गए हुए 3 दिन हो गए। अब तक तो उन्होंने प्लॉट खरीद के पेमेंट भी कर दिया होगा ना। ना या हाँ? हाँ हाँ। ओके, वैसे मानना पड़ेगा, आपका साला है बहुत स्मार्ट। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग। वैसे उनके पास कुछ और स्कीम भी है कि सिर्फ ये एक ही है? जहाँ तक मुझे पता है लेटेस्ट में तो ये एक ही स्कीम है। ओके। और कोई स्कीम है क्या? नहीं, वो आप उसको ही पूछ लेना अगर वो वापस आए तो। मतलब जब भी वो आए तभी पूछ लेना। ओके, अब तो सिर्फ 4 दिन बाकी है। किसके लिए? उन्होंने कहा था ना कि वो 7 दिन में 3 गुना ज्यादा पैसा लेके वापस आएंगे। 3 दिन तो हो गए, अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। 4 दिन बाद मेरे 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो जाएंगे। वाह, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। बाय। ओके। बेचारी बबीता जी कितनी खुश हो रही है और ये गधा सुंदर उसका कुछ अता पता ही नहीं है। भैया क्या जड़े भाई, सुंदर भाई कैसा है? मालूम नहीं भाई। बड़े कितनी दया, सुंदर का फोन आया कुछ? अब बाद में मिलते हैं। आया फोन सुंदर का? नहीं तो उसका फोन नहीं आया, उसकी खुशी में क्या सबको मिठाई बांट रही है क्या आप भी? अरे ये दिवाली की मिठाई 6 दिन से घर में ऐसे ही पड़ी है और घर में कोई खाने वाला तो है नहीं, तो मुझे लगा कि बाहर फेंकने से अच्छा है कि हाथी भाई को ही दे दूं, वो तो खा ही जाएंगे। मैं कब से बेल बजा रही हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लगता है सब लोग बाहर गए हैं। ए बारवाड़ी, अगर जल्दी ये सुंदर का फोन नहीं आया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तुमको पता है जब भी मैं सोसाइटी में आता था ना पहले तो लोग मुझे पूछते थे जेठा भाई कैसे है, अरे जेठा भाई क्या हाल है। अभी लोग सुंदर के बारे में पूछते हैं मुझे। देखा देखा, मेरे भाई को सब लोग कितना याद कर रहे हैं। वो याद इसलिए कर रहे क्योंकि सब लोग ने उसे 1-1 लाख रुपया दिए है। अभी वो बेचारी बबीता जी मुझे मिली थी, कितने उत्साह से राह देख रही है सुंदर की, कह रही है 4 दिन बाद मेरे 1 लाख 3 लाख हो जाएंगे। उनको क्या पता इधर तो सुंदर का अता पता तक नहीं है। क्या आप भी हमेशा मेरे भाई पर शक करते रहते हो? अभी 3 ही दिन हुए है ना, 4 दिन तो बाकी है ना, शांति रखिए, वो आ जाएगा, मिठाई खाएंगे। मुझे क्या हाथी समझे? सॉरी। चल अभी चल, इधर ही खड़े रह के हंसना है क्या? हंसने भी नहीं देते। नॉनसेंस। ओ पिड़े, 5 दिन हो गए, सुंदर ने अपना प्लॉट प्लॉट तो खरीद लिया होगा ना? सोड़ी, जब से सुंदर गया तब से उसका एक फोन नहीं आया है, पहले से ही मैं इस स्कीम के खिलाफ था। ओ यार मेरी भी गड्डी चंगी पली चल रही थी, ये रोशन ने पता नहीं स्टेयरिंग इस पासे क्यों घुमा दी थी। और मुझे कहां पता था कि माधवी मेरे साले से पैसे मांगकर इसमें इन्वेस्ट कर देगी,
अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए ना सोड़ी, तो ससुराल में इस शिक्षक की नाक कट जाएगी। वाह वाह वाह, शिक्षक आत्माराम भिड़े साहब, तब तो यहीं खड़े होके बड़े भाषण दे रहे थे कि आप लोग बहुत नासमझ हो, बीवियों की बातों में आ गए। मेरे और माधवी के विचार तो देखो कितने मिलते जुलते हैं। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। अरे मेहता साहब, पत्नी के विचार आज तक कभी किसी पति से मिले हैं? मेहता सर ये लीजिए, ये भाई ये लीजिए, ये आप लीजिए, ये भी लीजिए। वो है कि है बिल। लेकिन अब्दुल, तुम तो हमेशा पहली तारीख को बिल देते हो ना? हाँ, लेकिन हालात का तकाजा ये कह रहा है कि आज ही वसूल कर लूं बिल, कल का कुछ भरोसा ही नहीं। अब्दुल, कल तुमको कुछ होने वाला है क्या? मुझे तो नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूर होने वाला है। ए अब्दुल, पहेलियां मत बुझा, हम लोगों को क्या होने वाला, और जरा खुल के बता क्या कहना चाहता है तू? देखो, आप लोग ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वो 100% डूबने वाला है। हाँ? कल आप लोग दिखेंगे नहीं, इसलिए सोचा आज ही वसूल कर लूं। अब्दुल क्या बोल रहे हो? ओए शुभ शुभ बोल। ए अब्दुल, जरा अपनी जुबान को लगाम दे, तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, और आप लोग भी समझो इसके कहने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे बापरे, साले का फोन। वो सुंदर का है? जेठालाल के साले का नहीं, मेरे साले का फोन। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सुंदर का फोन अभी तक आया नहीं है? अरे भेड़े ब्रदर, ऐसा पता थोड़ी चलता है। तुम डरो मत, उठाओ फोन, उठाओ तुम फोन उठाओ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, भिजवाता हूँ मैं। वो पैसे मांग रहा था क्या? अरे नहीं, उसके घर में पूजा है तो उसको चांदी की थाली चाहिए थी। तो ऐसे ही डर गया था। मेहता जी, ये हमारा पैसा 3 गुना तो हो जाएगा ना? अरे अय्यर साहब, मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ, मुझे क्या पता पैसे कितने गुने होंगे, और 3 गुने का मुझे क्या मालूम। लेकिन एक बात जरूर है, अपने पैसे डूबेंगे नहीं, ये गारंटी जरूर दया भाभी ने। वही ऐसी बात है, तो मेरी तरफ से सबको एक एक और सट्टा। दया भाभी से बात कौन करेगा पैसे के बारे में? हाँ यार, ओ कम ऑन, मैं बात करूंगी, इसमें डरती क्या हो, आखिर हमारे मेहनत के पैसे हैं भाई। चलो। हाँ, चलो। अरे दया, अरे दया, ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले अहमदाबाद फोन कर, 7-7 दिन हो गए अभी तक सुंदर का अता पता नहीं है। लगाती हूँ। जल्दी लगा, जल्दी लगा, चल। बटन। हाँ कैसी हो? हाँ हाँ, बटन नाश्ता कर लिया। अरे नाश्ता छोड़ो ने, वो मेन बात पूछो, एक मिनट ला इधर। माँ, सुंदर के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा ना? सब एक साथ में। बबीता जी, वो मेरा शर्ट का बटन अचानक टूट गया, वो ऐसा सोफे के नीचे चला गया, तो वो ढूंढ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप जरा घर के कामों में उनका यू नो हाथ बटा रहे हो। नहीं नहीं माँ, मुझे तो सुंदर की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेहमान आया है। मुझे तो ये सब परवड़ता ही नहीं, क्या मुझे दुकान जाना होता है ना। आई आई। अरे क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक सुंदर का कोई अता पता नहीं है, मतलब गए पैसे। आप क्या पूरा दिन पैसा 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 करते रहते हो? अरे कभी ना कभी पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, करोड़ों रुपए लेकर थोड़े ना गया है मेरा भाई, 6-7 लाख रुपए ही तो लेकर गया है। ए महारानी, तुम्हारे लिए 6-7 लाख रुपए 6-7 रुपए के बराबर होंगे, इनसे पूछो इनसे। ये भीड़े भाभी बिचारी अपने भाई से 1 लाख रुपए लेकर आई थी, अब ये क्या जवाब देगी अपने भाई को? और ये रोशन भाभी, सोडी भाई को ऐसे मना कर फुसला कर लेकर आई है, सोडी भाई का दिमाग तो मालूम है ना तुमको, कैसा गुस्सा हो जाते हैं, अब क्या जवाब देंगी ये भाभी? और बिचारी बबीता जी, उनका क्या कसूर है,
अड़िया लैया साहब जैसे वो हस्बैंड से ऐसे मना कर फुसला कर रूट कर झगड़ा करके ला है ना, ऐसे लाई ना बेचारी क्या जवाब देगी अय्यर भाई को। बबीता जी आप चिंता मत करना, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे बोलना, मैं आऊंगा अय्यर भाई को समझाने के लिए, बेफिक्र रहो आधी रात को भी आऊंगा मैं। नॉनसेंस बोला था तुमको, ये मत पड़ो ये चक्कर में, पूरी सोसाइटी के सामने मेरी नाक कटवाई तुमने। नॉनसेंस देखा आप लोगों ने, देखा कैसा डांट कर चले गए, इनको तो बस पैसा 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 ही दिखता है। अब आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ कहा, कुछ कहा, कितने शांत खड़े हैं। और ये है कि आप भी बताइए, पैसा बड़ा है कि भाई, बोलिए पैसा बड़ा है कि भाई, भाई तो भाभी आप तो कुछ बोली नहीं। हाँ। मैं कहाँ कुछ बोलने वाली थी, कोमल भाभी आप बोलने वाली थी ना। हाँ। मैं कैसे बोलती, क्यों कैसे बोलती, ओ कम ऑन हमारी मेहनत के पैसे वगैरह। हाँ पर वो जेठा भाई और दया भाभी कैसे झगड़ा कर रहे थे। यू नो हमारी पतियों की बात एकदम सही थी, हम लोग ने जीत करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब हम क्या करे यार, ये सुंदर हमें मिलेगा कहाँ, क्या पता हमारे पैसों का क्या होगा। अरे क्या पता, oh my God. Good morning. क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई हंस क्यों नहीं रहा। अरे आए जॉनी, माधवी भाभी तो जोर जोर से रो रही है। माधवी भाभी आपको तो पता है ना कि सुबह सुबह हंसने से मन की सेहत बनती है और रोने से जी हल्का हो जाता है। हाँ, आज 8 दिन हुए वो सुंदर का कोई पता नहीं। अरे गलत है यार, पर हम ये सुंदर का पता लगाएंगे तो कैसे, कैसे कैसे सपने दिखाए थे उसने हमें। अरे यार हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब देंगे। ओ माय गॉड, मैंने मेरे गहने गिरवी रखे हैं। क्या क्या, अगर डॉक्टर हाथी को पता चल गया तो। अरे आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने भाई से पैसे मांग के लाई हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। देवा उस सुंदर को फोन करने की सद्बुद्धि दे देवा। अरे सिर्फ फोन करने की नहीं, हमारे सबके पैसे प्रॉफिट के साथ लौटाने की सद्बुद्धि दे। एक मिनट, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोचते हैं। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपका हॉट चॉकलेट। थैंक यू। अरे अरे एक मिनट भाई, इतनी जल्दी में कहा, हॉट चॉकलेट तो ठीक है लेकिन सुंदर को गए हुए 10-12 दिन तो हो गए है ना, अब तक उसे आ नहीं जाना चाहिए था। आ जाएगा, मेरी बात हो चुकी है दया भाभी से, डोंट वरी। अरे लेकिन 7 दिन की बात थी अंजलि, 7 दिन से 12 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो गए। ओहो 12 दिन में 2 दिन के बैंक हॉलीडे तो गिनो। अंजलि मैंने सब चेक किया है, पूरे 12 दिन में एक भी बैंक हॉलीडे नहीं था और संडे भी कुल मिला के एक आया है। अंजलि मैंने तुम्हारे कहने पे, दया भाभी के कहने पे उस सुंदर को इतने सारे पैसे दे दिए जो सारे मेरे दिवाली का बोनस और सेविंग के पैसे थे। क्या बोनस करते हो, बोनस पे भी बोनस मिलेगा, पैसों की चिंता छोड़ो कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा इसी बात की तो चिंता और टेंशन है अंजलि। क्या टेंशन करते हो सकता है कि हमारे प्लॉट के दाम बढ़ गए हो तो वो हमारे काम के लिए रुक गए हो। चलो बहुत पॉजिटिव सोच रही हो, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हुआ हो। आई होप सो। पर तुम इतने टेंशन में कहाँ जा रही हो। लाफ्टर क्लब। हंसो थोड़ा और। अंजलि आंटी ये आप क्या कर रहे हो। हम लोग हंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें क्यों लग रहा है कि आप रो रहे हो। यही तो एक स्टाइल है। सोनू तू घर जा,
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हो। नहीं बेटा, देखो हम सब हंस रहे हैं। हंसो। लगे कि सुंदर कब आएगा। वही तो, सच बताऊं मैंने तो आज घर पे झूठ कहा कि सुंदर एक दो दिन में आ जाएगा, पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। पर कब तक झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी तो हमारे पतियों को सच्चाई का पता लगेगा ही ना। हाँ, आज दया भाभी से बात कर ही लेते इस बारे में। यस। ए, वो देखो दया भाभी इधर ही आ रही है। आ रही थी हंसने के लिए हम पर। हैं? देखो दया भाभी, बुरा मत मानना लेकिन आज 12 दिन हो गए हैं और सुंदर 7 दिन का ही कह के गया था। हाँ। हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब दें? आप लोगों को अपने पैसों की पड़ी है, यहाँ सुंदर ने मेरी माँ को मुंह तक नहीं दिखाया। अब आप लोग ही बताइए, आपका भाई ऐसे गुम हो जाता तो आप क्या करते? तो मैं उसे दो झापड़ मारती। अरे पर उसके लिए मिलना भी तो चाहिए। ऐसे गुम हो गया है, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है। माँ, माता जी, मैं तो इतनी ही प्रार्थना कर रही हूँ कि पैसे मिले या न मिले, मेरा सुंदर लौट आए बस। बाद में दूंगी। पैसे मिले ना मिले सुंदर लौट आए, ये क्या बात हुई? दया भाभी को कुछ बताने जाओ ना तो वही रोने लगती है। अब क्या करें हम? एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि हमें हमारे पतियों को सच बात बता देनी चाहिए। कैसे बताओ? रोशन सिंह कितना गुस्सा करेगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, आप अपने पतियों को लेकर ना मेरे घर आ जाओ। हाँ, हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी दुविधा को वो समझेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आज सुंदर को गए हुए हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। सबको क्या जवाब दूंगा मैं? बबीता जी का तो मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। मेरे इतने सालों की मेहनत ये सुंदर की वजह से पानी में मिल जाएगी। हेलो। हेलो जीजा जी, मैं सुंदर। अरे सुन, सुंदर तू कहाँ है भाई, किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर का एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? तो अभी क्या किया मैंने? अरे अभी क्या कर रहा हूँ वाड़ी, तू गया उसको हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी याद है फोन करने का? देखो जीजा जी, आप कुछ मत बोलो, मैं जितना बोलता हूँ ना वो सिर्फ आप सुनो, क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी बैलेंस बहुत कम है। और ये क्या, आप बार बार घर पे फोन करके माँ को टेंशन क्यों देते हो? अरे उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाते हो? अरे मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे आप पे विश्वास रख के मैंने अपनी 1 करोड़ की बहन दी है। तो एक काम कर भाई, 50 लाख में बहन वापस लेके जा। वो स्कीम शादी के बाद सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड थी, आपकी शादी को कितने साल हुए? पता नहीं, शायद 13-14 साल हुए होंगे। तो शर्म नहीं आती है रिफंड मांगते हुए? अब तो पेनल्टी क्लॉज भी लग जाएगा। ए भाई, तू बात को किधर से किधर लेके जा रहा है, मेन बात पे आने है। तू सोसाइटी वालों के पैसे 3 गुना करके 7 दिन में इधर आने वाला था के नहीं है? तो अभी तक क्यों नहीं आया? डील हो जाए तो आऊं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि प्लॉट का मालिक जो किसान है ना, उसने मेरे सिवा और 5 लोगों का भी टोकन लेके रखा है। तो अभी? अभी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो, सबसे पहले टोकन मैंने ही दिया है तो प्लॉट तो हमारा ही है। बस एक बार लिखा पट्टी हो जाए ना तो प्लॉट अपना, प्लॉट को बेच के मैं सीधा ही बम्बई आ जाऊंगा। तो ये लिखा पट्टी करने में और कितना टाइम जाएगा भाई? सच बोलूं तो जीजा जी, होने को तो 1 दिन में भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो 1 साल भी लग जाएगा। 1 साल? अरे 1 साल तक मैं यहाँ सबको क्या जवाब दूं? देखो जीजा जी, यहाँ पर मैं संभालता हूँ, वहां पर आप संभालिए। हेलो सुंदर, सुन, हेलो सुन, ये
एक साल, हे भगवान अब क्या होगा। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, बहुत मुश्किल होती है दोनों को छुपाने में। गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं ने भी सोचा कि छुपा लें अपने अपने पतियों से ये बात, अब क्या करेंगी वो, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि मर्दों को बता दें ये बात। अरे भाई, जिनसे इतना मुश्किल से 1,00,000 रुपया निकलवा के इन्वेस्ट कराया, उन्हें ये बताना कि सुंदर का कहीं अता पता नहीं है, अब क्या होगा। या तो ये सुंदरलाल जानता है, जानते तो हम भी हैं और आप भी जान जाएंगे जब हमारे साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।